ये बात है 30 अप्रैल 1945 की, जिस दिन दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडॉल्फ हिटलर अपने सर पर पिस्टल रखता है। और लेकिन इस सुसाइड में वो अकेला नहीं मरता है, बल्कि खुद को मारने से पहले वो अपने 3 सबसे खास लोगों को भी बेरहमी से मार डालता है। 29 अप्रैल 1945 की दोपहर को हिटलर अपने कुत्ते यानी ब्लॉन्डी, जिसको वह सबसे ज्यादा पसंद करता था, उसके मुंह में अपने हाथों से साइनाइड की कैप्सूल डालकर उसको भी मार डालता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हिटलर ने इन सबको क्यों मारा और इन सबको मारने की वजह क्या थी। हिटलर एक क्रूर इंसान जरूर था, लेकिन वो इन सबको मारना नहीं चाहता था, पर उसे 2 बड़े रीजन की वजह से ये सब करना पड़ा। पहला रीजन था कि वो साइनाइड कैप्सूल की जहर की जांच कर रहा था, जो कि उसे 24 घंटे बाद अपनी बीवी एवा ब्राउन को खिलाने वाला था। और दूसरा रीजन था वो रसियंस, जिनसे हिटलर हारने वाला था, ताकि वो हिटलर की मौत के बाद अपना गुस्सा उनके कुत्तों पर ना निकाले। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके कुत्ते को कोई भी सजा मिले, इसलिए वो ब्लॉन्डी और अपने 4 पपीज को गार्डन पर सैर कराने ले गया, जहां पर उसने रोते हुए और कांपते हाथों से उसने उन 5ों को गोलियों से मार डाला। उनको मारने के बाद हिटलर ने उन सभी डॉग्स को उसी गार्डन में गाड़ दिया, जहां पर वो उन कुत्तों के साथ खेलने आया करता था। तो दोस्तों, उसने अपने कुत्तों को क्यों मारा ये हम जान चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि उसने अपनी वाइफ ईवा को क्यों मारा। और जब हिटलर को मालूम था कि उसकी मौत करीब है, और फिर उसने अपनी मौत के 15 दिन पहले ही ये शादी क्यों करी थी, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हिटलर के सुसाइड करने से पहले यानी 29 अप्रैल को रात के समय, जब 33 ईयर ओल्ड की एवा ब्राउन अपने बेडरूम में एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनकर सज रही थी, क्योंकि आने वाले 1 घंटे में वो अपने 16 साल पुराने प्यार से शादी करने वाली थी। जबकि एवा और हिटलर एक कपल थे, जिनके बेडरूम तो अलग थे, लेकिन वो अंदर से कनेक्ट थे, जहां पर अक्सर शाम होते ही हिटलर गपशप करने के लिए एवा के रूम में जाया करता था। और हिटलर की हरकतें सिर्फ उसके कुछ क्लोज मेंबर को ही पता थी, क्योंकि उन्होंने हिटलर को कई बार एवा के लिए परेशान होते हुए देखा था। जब एवा किसी काम की वजह से घर पहुंचने में लेट हो जाती थी, तो हिटलर को चैन नहीं पड़ता था जब तक कि वो उसे देख न ले। और जंग के वक्त हिटलर रोज एवा को कॉल करता था उसकी सलामती के बारे में पूछने के लिए। हिटलर को ऐसा लगता था कि वो अपनी वाइफ को जिंदगी का वक्त नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस वक्त रसिया हिटलर पर हावी था और कभी भी वो इन पर अटैक करके इन्हें मार सकता था। एक तरफ एवा जो रूम में शादी की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर हिटलर अपने तहखाने में लाइफ के कुछ नोट्स पढ़ रहा था। और हिटलर इस बात को बता रहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड एवा से आने वाले कुछ ही पलों में यानी 30 अप्रैल को दोनों अपने मर्जी से मरने वाले हैं, क्योंकि वो रसियंस के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। और उस नोट्स में तो ये भी लिखा हुआ था कि उन दोनों के मौत के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए, ताकि कोई उनके शरीर को ठेस ना पहुंचा पाए। हिटलर ने ये फैसला अकेले नहीं बल्कि एवा के साथ मिलकर लिया था। जब हिटलर और एवा अपने दोनों सेक्रेटरीज के साथ खाना खाने बैठा था, और तभी हिटलर ने एक सीरियस टॉपिक को छेड़ दिया। हिटलर ने अचानक खाना खाते धीमी धीमी आवाज में बोला कि अब उसकी हार नजदीक दिख रही है, और वो हार उस तक पहुंचे उससे पहले ही वो ईवा के साथ मरना चाहता है। और उसने ये भी कह दिया कि वो अपनी बंदूक की गन शॉट से मरना चाहेगा, क्योंकि उसमें दर्द कम होगा। हिटलर की ये बात सुनते ही एवा हिटलर के खिलाफ बोली कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है, और इसलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल की गोली खाएगी। और फिर हिटलर ने एवा से शादी कर ली। शादी के बाद रात के 2:30 बजे हिटलर ने एक दारू की पार्टी रखी, जिसमें हिटलर ने डॉक्टर्स, नर्सेस, दोनों सेक्रेटरीज को बुलाया, और उसी पार्टी में ये ऐलान किया कि वो एवा के साथ एक सेम टाइम पर मरना चाहता है। फिर उसी रात हिटलर ने एक नया प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक अब हिटलर और एवा रूम में एक पिस्तौल और एक साइनाइड कैप्सूल के बदले 2 पिस्तौल और 2 साइनाइड कैप्सूल ले जाएंगे, ताकि किसी वजह से पिस्तौल या कैप्सूल काम ना करे तो दूसरा ऑप्शन रहे उनके पास। पार्टी के बाद हिटलर और ईवा नशे में अपने कमरे में गए। अब दोनों जानते थे कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है, जहां पर वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम देना चाहते थे, क्योंकि हिटलर की ये रात की खुशियां सुबह के 6 बजे तक ही टिकने वाली थी। अब वक्त आता है 30 अप्रैल यानी कि हिटलर की मौत का दिन। सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियंस सोल्जर्स रीस्टैग तक पहुंच गए हैं, और उन्होंने रीस्टैग को अपने कब्जे में भी कर लिया है। और इसे सुनकर हिटलर को अपनी मौत दिखने लगी। और फिर बर्लिन के कमांडेंट ने रेडियो से हिटलर को यह बताया कि रशियंस उसके ओर तेजी से आ रहे हैं, और हिटलर जिस तहखाने में छुपा हुआ था उस तहखाने के बाहर सोल्जर ने हमला कर दिया है। और ये सुनते ही हिटलर पूरी तरह से टूट गया। उसके चेहरे पर ना कोई इमोशन था और ना ही कुछ बोल रहा था। और फिर जब उसने मुंह खोला, तब उसने सिर्फ एक लाइन बोली कि
वो किसी म्यूजियम का हिस्सा नहीं बनना चाहता और इसलिए रशियंस के आने से पहले ही उसे मारना होगा। ये सुनते ही उसके सोल्जर को ऑर्डर दिया गया कि वो हिटलर और ईवा की बॉडी को जला दें। हिटलर ने यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद तुम सब भी सुसाइड कर लो ताकि रशियंस तुमको भी परेशान ना करें, और ये कहते हुए फिर से एक बार खामोश हो गया। लेकिन जब दोनों के मरने का वक्त आया, ईवा ने फिर से एक बार सजना शुरू कर दिया और एक लास्ट वो वक्त आ ही गया जब दोनों अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी सांस लेने वाले थे। दोपहर के 3:30 बजे ईवा और हिटलर एक साथ कमरे में जाते हैं, जिसके बाद बस कुछ ही पलों में रूम के बाहर खड़े सभी लोगों को एक गनशॉट सुनाई पड़ती है। वो गनशॉट आवाज सुनते ही सभी लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन हिटलर की आखिरी इच्छा को पूरा करना था, इसलिए हिटलर के स्पेशल कॉप्स लिंक एंड वॉरमैन हिटलर के रूम में गए और 3:50 बजे में दोनों की लाशों को एक साथ पेट्रोल से जला दिया। और इसके बाद शाम के लगभग 6 बजे ऑफिसर्स इवाल्ड लिंडोल्फ ने हिटलर और एवा के राख को उसी गार्डन में जहां हिटलर ने अपने कुत्ते को गाड़ा था वहीं पर कुत्ते के चारों तरफ बिखेर दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।